आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मैंने गाना सुना तो मुझे बस ये लगा कि गाना मैं बार बार सुन सकता हूँ, मेलोडी इतनी प्यारी है, इसके लिरिक्स इतने अच्छे हैं, फ्लूट का जो स्टार्टिंग से जो पूरा का पूरा उसमें बांध देता है, स्टार्टिंग बिट से ही बांध देता है, वो बहुत सुंदर है, तो वो सब सुन के बहुत अच्छा लगा। और हाँ, ही इज सांग इट सो वेरी वेल, सो व्हेन आई हर्ड इट आई वाज लाइक आई शुड बी पार्ट ऑफ इट, एंड देन आई मेट राम जी ओवर देयर, इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हिम, बिकॉज लाइक मैम सेड कि हम गाना चलाकर शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे रोजे चल रहे थे, तो बट ही वुड जस्ट टेल अस कि हमें इसका मूड ये है और हमें ये करना है इतने स्पेस में, सो ही वॉज गिविंग अस लिबर्टीज, एट द सेम टाइम क्रिएटिव इनपुट्स एकदम एप्ट वो हमें बता रहे थे, एंड वी वर डूइंग इट। सो ऐसे करते करते सॉन्ग कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, रात को इनफैक्ट 11 या 12:30 बजे ना द लास्ट सीन जहाँ पे वो पोल से टकराने वाले हैं और मैं आके बीच में, इसका फर्स्ट वो था फ्लैशबैक का, दैट वाज आवर लास्ट सीन। हाँ, तो वाला सीन जब हुआ तो वैसे तो बहुत रात हो गई थी, लेकिन वी वर कंप्लीटली अवेक बिकॉज ऑफ द थ्रू आउट द डे, 7 बजे शूटिंग शुरू की थी, रात के 11 बज गए थे, लेकिन जब इन्होंने कहा पैकअप, हम दोनों एक दूसरे को देखे पैकअप खत्म हो गया सॉन्ग। राम जी थोड़ा गाइड करते रहेंगे हमको, तो फर्स्ट सॉन्ग है हमारा एंड दैट विद द टू बिग स्टार्स, तो वी विश अभी 5-7 गाने और हैं अभी लाइनअप में और कंटिन्यू करना है हमको आगे से आगे, मंथली 3-4-5 सॉन्ग हमको लाने ही हैं। मुझे इतना कंफर्टेबल किया एंड यू नो आई रियली फेल लाइक फैमिली, मुझे लगा ही नहीं मैं शूट कर रहा हूँ, एंड यू नो इट इज़ अ बिग चैलेंज यू नो शूटिंग विदाउट साउंड, एंड दे आर ग्रेट परफॉर्मर्स एंड एक्टर्स, व्हाट डू आई से, पूरी दुनिया को पता है, एंड आई रियली रियली लव शूटिंग एवरी मोमेंट, एंड यू नो इतना अच्छा यू नो वी हैड, वी शूटिंग इन सो मेनी डिफरेंट लोकेशंस एंड वी स्टार्टेड एट 7 एंड यू नो ऑलमोस्ट फिनिश्ड एट 11, एंड द एनर्जी दे गेव मी इन द शूट यू नो इट वॉज लाइक absolutely fab, and it's actually you can see it on the screen now, you know, and I would love to work with them again and again, and seriously I really had an amazing time shooting. Aur audio ki baat rahi to I am blessed to work with Veer ji again and again and mujhe bahut acha lagta hai when I get an audio. Aapka kaun se number ka video hai, kitne video edit kiya? आपकी ब्लेसिंग है, एंड सुशांत एंड जगन हैव डन सच अ फैब कंपोजिशन एंड म्यूजिक, इतना प्यारा लग रहा है, यू नो व्हेन आई हर्ड द म्यूजिक, मुझे बहुत टाइम बाद यू नो आई यूज्ड टू लव वन सॉन्ग कल हो ना हो, they've got that essence of that in this song, you know, us samay se ab tak mujhe koi gana waise you know pasand nahi aaya, so I really love the song, and Raj ne itna acha gaya, Veer ji ke lyrics I think audio was and you know complete package for us, and ek acche audio pe jab acche performance mil jata, acha video mil jata hai, to I think you know aur acha captain mil jata hai to direct all of us, yeah, gaane ki dhun achhi na ho na, to jitna marzi acha likh lo, jitna marzi acha shoot kar lo, content strong nahi hai kuch nahi, yes true, so credit goes to ke dono ko, composers unhone achhi dhun banayi, Punjabi it's just telling so well with our artist, he has written it like wo hindi punjabi kind of like idhar bhi samajh mein aata hai udhar bhi samajh aata hai, and it's a specialty because unke sare gaane almost aise hi hain। Yeah, I had to do something different when I have such two big stars. Who told you? Sorry, the bar. वो पूल वाले में पूल के ऊपर कैमरा और जितनी बार हम पूल पे भिड़ते थे वो कैमरा और उतनी बार पुलिस आती थी आप हमारा तो वो हिलेरियस था,
मतलब बार बार हर हर टेक जितनी बार मैं भिड़ती थी उतनी बार पुलिस आती थी और रुकना पड़ता था सो इट वाज सो मच फन इन दैट सीन स्पेशली यू नो शेख साहब रोड पे वो कर रहे थे एंड सारे फैंस आ गए थे जी एंड यू नो एवरीबॉडी इज वांटिंग टू टेक पिक्चर्स विद देम एंड वी हैड सच अ ह्यूज क्राउड वेटिंग कि कब शॉट खत्म हो और हम सब पिक्चर्स ले यू नो जब से ये गाना मिला ना जितनी बार मैं इसके वैन से गुजरती थी मुझे वो गाना सुनाई देता था तो मैं कहती थी कि मैंने वो गाना सुना जब मैं तेरे को एवरी टाइम आई वुड गो पास मुझे सुनाई देता था सो आई वी ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री एज फ्रेंड्स यहाँ पर भी वो रोमांस तो हमको स्क्रीन पे दिखा वहाँ तो हम एज अ फ्रेंड ही मस्ती कर रहे थे वो स्क्रीन पे सडनली रोमांस दिख गया मैंने कहा हाँ हाँ और उस वक्त में जो लास्ट में हम हक कर रहे थे उसमें भी मैं हंस रही थी सिर्फ वहाँ पे मस्ती चल रही थी दे वाज सो मच फन बट वी नेवर परफॉर्म्ड कि हमारी आंखों में रोमांस लाना है या कुछ रोमांटिक करना आई थिंक इट इज हाँ इट वाज ऑल हिम यू नो वी कुड शो सो मेनी वेरिएशंस इन यू नो इन वन डे शूट यू नो बहुत ही कम समय था वी डिड लॉट ऑफ ट्रैवलिंग इन दिस बिटवीन यू नो बट हर एक सीक्वेंस इतना जल्दी हुआ है बिकॉज़ दे वर Performing so well, मतलब एक एक टेक में दो दो टेक में we are getting all the shots, so like super awesome. So he, the way he created it, the when we saw it, we were like, wow, this is so good. We were not expecting because everything was like really, that's child play. इतना फटाफट सब कुछ हो रहा था. The end result is fab. मतलब beyond our expectation. Obviously the song, lyrics, everything was at pace. हम जब कोई reel बनाते हैं ना उसमें भी बहुत time लगता है. Time नहीं लगा इतना so much fun. आई थिंक विद श्वेता मैम जो हमारी कैमराडरी है जो मेरा जो रिस्पेक्ट है इनके लिए दैट ट्रांसलेटेड इन टू अ ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप फ्रॉम KKK एंड देन द वेब सीरीज दैट वी आर डूइंग टुगेदर तो वो करते करते ही जो आपको पूरी जो केमिस्ट्री दिख रही है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन इट डिड नॉट स्टॉप देयर इट ओनली ग्रू सो दैट आई थिंक इज द केस विद अस Shweta and Saurabh are looking really, really nice. They all, the look is so beautiful, the song is beautiful, and Raj Burman has sung it so beautifully. Jaise hi aap sunte ho, aap connect ho jaate ho us gaane se. And I think, see, they both are looking wow. सी म्यूजिक वीडियोज आई थिंक एक दौर था इन 90s एज वेल जो सब म्यूजिक वीडियोज देखते थे हम यू नो बचपन में म्यूजिक वीडियोज बहुत देखते थे वी टू लव ऑल दीज म्यूजिक वीडियोज एंड आई थिंक वो ट्रेंड वापस आ गया है अभी सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वो ट्रेंड वापस आया है एंड अगेन वी आर गोना वॉच ऑल दीज म्यूजिक वीडियोज और मैंने खुद ने भी कितने म्यूजिक वीडियोज किए हैं सो इट इज़ फन एंड यू नो एज आर्टिस्ट You love to experiment on your looks. जैसे दिखना है तो कुछ ऐसे है नहीं म्यूजिक वीडियो में आपको ऐसे ऐसे है यू कैन जस्ट ड्रेस अप हाउ यू वॉन्ट टू एंड लुक एज ग्लैमरस एंड लुक एट हर मैन श्वेता शी इज लुकिंग अमेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट देम फॉर दिस यू नो ग्रेट थिंग बिकॉज आई लव श्वेता एज एन एक्टर एंड आई थिंक शी इज गॉर्जियस शी इज स्टनिंग एंड आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ हर वर्क So I'm very happy to see her on in a music video, and I'm very happy to see you know television actors coming out in music videos and everything. And yes, so it's really great. Saurabh ji ko aur Shweta ji ko dher sari shubhkamna dena chahti hu unki music video ke liye. And I really hope bahut sari millions and million views unko is video pe aaye aur khub sara success milo. Thank you so much. Thank you. Thank you. बहुत ही अच्छा गाना है जदों मैं तेरे कोल सी और ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया है और मैम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं इसीलिए लग रही हैं और एक कलर कॉम्बिनेशन मतलब बहुत अच्छे तरीके से सिनेमेटोग्राफी डायरेक्शन बहुत अच्छी है जिन्होंने डायरेक्ट किया गाना बहुत ही अच्छे तरीके से किया है एंड मज़ा आया देखकर मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया और इस हफ्ते का नंबर वन सॉन्ग जाने वाला है लाइफ चेंज देखो यहीं खड़े हैं आप लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं ये मेरा सपना था तो मैं जी रहा हूँ अपने सपने को 10 साल लग गए मुझे पहुँचने में पर फिर भी देखिए आप छोटी छोटी चीज़ें होती हैं छोटे छोटे सपने होते हैं और इंसान ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है और ये एक एक कदम मैं हर रोज़ जी रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है ज़िंदगी तो बदल ही चुकी है और आपके लिए आपके मनोरंजन के लिए मैं फिर से लौट कर आने वाला हूँ बहुत जल्द आई जस्ट कम टू विश श्वेता ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एल्बम जाड़ों में कौन सी आई थिंक इट्स लुक्स गुड आई एम येट टू हियर द सॉन्ग बट श्वेता इज डूइंग इट मस्ट बी रियली फैंटास्टिक सो ऑल द बेस्ट टू द होल टीम Yeah.
I'm actually producing something on OTT platform. I'm about to start. Big is the medium, I mean, right now, what is the medium? Big medium, definitely. One of the OTT itself is huge. It's accessible to the audience very easily. You can watch the program whenever you want. Unlike television, where every day you have to wait for a certain amount of time. 9 o'clock ka show dekhna hai to every day 9 o'clock. But here it is very accessible, good content, good making, good budget of making the show. So I think it beats television by far. Television has to really work hard on the content now. बहुत अच्छा लगा, मैंने गाना देखा और इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों, एंड आई होप फॉर द बेस्ट. आगे हमारा भी गाना आ रहा है कल और उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ. जो कल आ रहा है गाना बहुत प्यारा है, नाम ही मुझे तुमसे प्यार हो गया और आप सबको भी इससे प्यार हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारे आदिल खान एंड खुशबू खान, यू नो, टू ब्यूटीफुल टू खान्स आर टुगेदर. And it's a beautiful song and they are looking beautiful. And mujhe bahut maza aaya. I have worked with Adil and Khushboo before. So when we were shooting also, they made me feel so comfortable and so nice. And bahut acha shoot hua hai gaana. Aapko romance bahut time baad dekhne milega. And kyunki audio bhi iska bahut khoobsurat hai. I really love the audio. And when you have Adil and Khushboo on it, toh matlab game over. और हमारे दिनेश पाजी ने ही हमारी कास्टिंग की है. ये हमारे कास्टिंग गुरु है और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं और मैं इनके सारे वीडियोस बहुत पसंद करता हूँ. इज एन ऑसम डायरेक्टर एंड मैं खुद चाहूँगा कि मैं इनके साथ जल्दी काम करूँ. हमारे प्रोड्यूसर भी नहीं आई है, ये वसीम भाई पाजी और हमारे साथ हमारे दो और प्रोड्यूसर भी हैं, बट दे आर करंटली नॉट बिजी, बट दे आर बिजी. द टीम इज सुपर एक्साइटेड and this is the second song with Ramji Paji and believe me it is so smooth and I believe that Mujhe Tumse Pyar Ho Gaya is one of the most romantic song of 2022. You will love it. Aapko aapko isse pyar ho jayega, jaise title hai, aapko genuinely se pyar ho jayega. It is the way our star cast Khushboo and Adil, you will love the chemistry. The chemistry is amazing. They both are so realistic and it is amazing song and I'm very happy that I have chosen and Paji has chosen me to work. So aisa ke hum logon ne saath mein kaam kiya and then Adil Paji ka badhpan hai, ye nahi nahi aisa kuch nahi hai. Paji is living legend. नहीं, कल आप सब 1 बजे यूनाइटेड वाइट फ्लैग चैनल पे जाइएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर and give lot of love to Khushboo and Adil. I love them and you will love them too. I think sabne sab kuch bol diya hai. The song is awesome and fantastic and I would say one thing that aapko Bollywood dikhega us video ke andar. You will see Shah Rukh, you will see Kajol, so that touch you will definitely have, and when there is Shah Rukh and Kajol, so definitely romance will be there. Shah Rukh Khan is definitely there and Khushboo especially. You want to say something, Khushboo? बैक टू बैक सॉन्ग आ रहे हैं. आई हैव डन 11 सॉन्ग. इसके बाद इमरान अब्बास वाला वी होप उसकी प्लानिंग कर रहा है. आई थिंक वो ही सॉन्ग आएगा एंड आई थिंक डीजे फ्लो वाला पहले आएगा. मुक्कू म्यूजिक के साथ क्या है वो भी प्लान कर रहे हैं रिलीज करने के लिए. मुझे लगता है नेक्स्ट वीक बहुत सारे सॉन्ग आने वाले हैं बैक टू बैक एंड जस्ट आई नीड विशेज एंड गुड विशेज एंड लव. कल गाना 1 बजे आ रहा है. रामजी पाजी का गाना है, खुशबू के अंदर है, तो सेलिब्रेशन है. मेरे दोस्त उसमें हैं, वसीम भाई हैं, प्रोड्यूसर आदिल खान, खुशबू खान, रामजी गुलाटी. तो ये गाना नहीं है, ये सेलिब्रेशन है. ये एक मैच है इंडिया का, जो जीतने वाला है. आई एम हैप्पी, एक्साइटेड. थैंक यू.